Hello, welcome to Arvind Singh Academy. Today we are going to discuss about the wave. Wave क्या है? आपने wave पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं कि आप wave जो basically है इसके बारे में हमें डिटेल में इसलिए पढ़ना है कि वेव बहुत सारे तरीके के होते हैं और मेनली इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं. एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जो कि ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, लाइक एयर, वाटर, इवन किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम हो, मे बी ये स्टील भी हो सकता है या आयरन भी हो सकता है, कोई मटेरियल मीडियम चाहिए इसको ट्रांसफर होने के लिए. जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर करने के लिए किसी प्रकार के मटेरियल की जरूरत नहीं है, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है. ये मटेरियल मीडियम के बिना भी और मटेरियल मीडियम के साथ भी ट्रांसफर हो सकता है. जबकि वेव को जो साउंड वेव है इनको ट्रांसफर होने के लिए या किसी भी प्रकार का ये जो मैकेनिकल वेव है इनको ट्रांसफर होने के लिए आपको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी. तो ये ट्रांसफर वेव करने के पीछे का लॉजिक क्या है? आप जानते हैं कि जब मटेरियल मीडियम कहीं भी या बल्क मैटर कोई ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो अपने साथ बहुत सारा एनर्जी को कैरी करता है. फॉर एग्जाम्पल डैम आपने देखा होगा, वहां से वाटर का फ्लो होता है और उसके साथ बहुत सारा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसके चलते जो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस किया जाता है और उनके ड्रम जो होते हैं वो रोटेट हो पाते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए कि एक पत्थर का टुकड़ा है और वो एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिया जाता है या ऊपर से गिर जाता है, कहीं चट्टान ऊपर से कोई टुकड़ा गिर जाता है, तो उसके साथ बहुत सारी एनर्जी आती है और उस एनर्जी से बहुत सारे चीजों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो ये तो उन बातों को हो गई जिसमें कि कुछ मटेरियल मीडियम जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं. तो ये बातें हम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वेव में कोई जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो पार्टिकल के ट्रांसफर होने की वजह से नहीं होती. पार्टिकल इसमें ट्रांसफर नहीं होता, इसमें जो होता है वो होता है कि एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है. कैसे, अभी हम बताते हैं आपको. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पत्थर का टुकड़ा आपने पानी में फेंक दिया और पानी में फेंक दिया कोई चाहे वो लेक हो, स्टील लेक हो या कोई पॉन्ड हो, या इवन आप घर में अपने रखे बाथ टब में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ऊपर से ड्रॉप कर दीजिए और देखिए रिपल्स बनने लग जाएंगे. रिपल्स बनेगा तो क्या आप पाएंगे कि जो वाटर का लेवल है एक्चुअल, जो स्टील वाटर में था, स्टील लेक में था, स्टील पॉन्ड में था या आपके घर में टब में था या कोई ऐसा बर्तन जिसमें पानी आपने रखा हुआ है, तो देखेंगे कि कुछ जो होता है लेवल ऊपर उठने लग जाता है, वाटर लेवल कुछ ऊपर उठने लग जाता है और दूसरी जगह कहीं वाटर लेवल से थोड़ा नीचे चला जाता है. तो जो वाटर लेवल से जहां नीचे जाता है उस जगह को कहते हैं ट्रॉ, और जो ऊपर जाता है वाटर लेवल से, दो ट्रॉ के बीच में कुछ लेवल ऐसा होता है जहां पे वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं क्रेस्ट. लेकिन ये बातें अभी और बाद में डिटेल में हम बात करेंगे. क्या होता है कि जैसे ही आप एक पत्थर के टुकड़े को डालते हैं या ड्रॉप करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी कैरी होता है क्योंकि मोशन में होता है. कोई भी मटेरियल पार्टिकल जब मोशन में हो तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है और वो एनर्जी जा करके क्या होता है, वाटर मोलिक्यूल को ट्रांसफर हो जाती है. उसमें से कुछ पार्ट जो वाटर मोलिक्यूल को ट्रांसफर हो जाती है वो एनर्जी को रिसीव करता है और रिसीव करने की वजह से उसमें अपनी जगह से उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है थोड़ी सी और वाइब्रेशन होती है. वाइब्रेशन होकर के अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे वो वाइब्रेट करने लग जाता है. एनर्जी का, जो एनर्जी उसने रिसीव किया उस एनर्जी का कुछ पार्ट अपने नियर बाई पार्टिकल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और नियर बाई पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में कुछ बहुत सारा बढ़िया सा चीज आता है तो क्या करता है, अपने पड़ोसियों को थोड़ा थोड़ा उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. वैसे ही उसके पास एनर्जी आई और एनर्जी का उसने थोड़ा थोड़ा पार्ट अपने पड़ोसियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पड़ोसी को भी थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिल गई तो वो लोग भी मोशन में आ गए, वो लोग भी वाइब्रेट करने लग गए, वो लोग भी अपने पड़ोसी को थोड़ा थोड़ा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंडलेस चलता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह तक जाता रहता है जब तक कि एनर्जी सारी के सारी एग्जॉस्ट ना हो जाए. इसका अर्थ ये हुआ
पार्टिकल जो है अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हुए एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अपने नहीं जाता, पार्टिकल खुद नहीं जाता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि उसने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया है नियर बाई पार्टिकल को, बिकॉज दे आर कॉन्टेक्ट में होते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं, इसलिए एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं एक पार्टिकल का मीडियम, पार्टिकल मीडियम का जो दूसरे पार्टिकल ऑफ मीडियम है उनको एनर्जी थोड़ी सी ट्रांसफर कर देता है। इसलिए वेव जो है वो खास होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल खुद नहीं ट्रांसफर होता बल्कि अपनी एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर करता है। जबकि बल्क मैटर के साथ क्या होता है, वाटर फ्लो होता है, तो पानी जाता है अपने साथ एनर्जी ले जाता है, पत्थर का टुकड़ा कहीं जाता है, कहीं फेंकते हैं, किसी ग्लास में अपने फेंक दिया तो अपने साथ एनर्जी लेके गया जिसे ग्लास को तोड़ सकता है या चूर चूर कर सकता है। तो मीडियम मटेरियल जो है वो खुद ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल खुद ट्रांसफर नहीं होता बल्कि अपनी एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर करता है। इसलिए वेव एक खास तरह का इस मैकेनिज्म है जिसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। अब सवाल है कि होता कैसे है, तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम आपको दिखाते हैं और इस फिगर के जरिए आप समझ पाएंगे कि ऐसा होता कैसे है। तो ये देखिए कि जो हमारे पास ये वेव है, ये देखिए कि वेव कैसे ये ट्रांसफर हो रहा है। आप देख रहे हैं एक रिपल्स बन रही है, जो गोल गोल चीजें बन रही है इनको हम कहते हैं रिपल्स। और ये जो रिपल्स बनता है, जिस रिपल्स की वजह से आप एक पत्थर का एक टुकड़ा फेंकेंगे, जैसे स्टेल लेक में जो सेंटर आपको दिखा रहा है यहाँ पे, तो सेंटर के साथ साथ वहां पे डिस्टरबेंस हो रही है और लग रहा है कि कुछ जा रहा है, कुछ बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन क्या जा रहा है, वो पार्टिकल मीडियम का पार्टिकल नहीं जा रहा है बल्कि एनर्जी जो है वो वहां से ट्रांसफर होकर के दूसरी ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल का मीडिया जो पार्टिकल है वो नहीं जा रहा है बल्कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आदमी है ये एक रस्सी लिए हुए है और ये रस्सी में क्या हो रहा है कि रस्सी में ये अब बेसिकली जब से ही ये रस्सी को आगे पीछे कर रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि रस्सी को आगे पीछे करने से एक वेव की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, ये अपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हो रहा है और बार बार ये डिस्टर्ब होने से क्या हो रहा है, वेव प्रोड्यूस हो रहा है। आप देखिए इसमें जैसे ही ये अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जा रहा है वेव का प्रोपगेशन। तो कुल मिला जुलाकर हम ये कह सकते हैं कि वेव क्या है, वेव के बारे में ये कह सकते हैं कि वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जिसमें पार्टिकल के मीडियम अपनी पोजीशन से, जो पोजीशन उसकी होती है उसको मीन पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन से वाइब्रेट करके एनर्जी को दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो ये वेव के बारे में आप डेफिनेशन एक लाइन का लिख लिया जाए तो बेहतर रहेगा। व्हाट इज वेव? So, wave is a, what is wave? Wave is a kind of disturbance in which particle of medium vibrates from its mean position and transfer the energy from one place to another place. That is called propagation of wave. Wave is a kind of disturbance, wave motion. What is wave? So we can write here wave motion. Wave is a kind of disturbance. Wave is a kind of disturbance in which the particle due to repeated periodic vibration, the particle of medium vibrates about their mean position and
ट्रांसफर द एनर्जी एनर्जी टू अदर पार्टिकल्स अदर पार्टिकल्स सच दैट मोशन इज हैंडेड ओवर टू अदर पार्टिकल्स अदर पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन प्लेस टू अनदर राइट। तो वेव जो है वो बेसिकली क्या है ये आपको समझना था कि वेव है क्या, और वेव के बारे में ये कहा कि एक डिस्टरबेंस है, नथिंग एल्स बट एक डिस्टरबेंस है, वेव कुछ और नहीं है बल्कि क्या है एक डिस्टरबेंस है, ये एक डिस्टरबेंस। और इसमें क्या होता है डिस्टरबेंस किस तरह का है, ये डिस्टरबेंस पीरियोडिक वाइब्रेशन की वजह से है, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया, हमने आपको दिखाया कि कैसे किस तरह से ये पीरियोडिक डिस्टरबेंस है। और ये पीरियोडिक डिस्टरबेंस वाइब्रेशन, पीरियोडिक डिस्टरबेंस तो एक ही बार होती है बट पीरियोडिक वाइब्रेशन होती है, पार्टिकल वाइब्रेट करता रहता है चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, कैसे भी हो मीन पोजिशन के अबाउट ये वाइब्रेट करता रहता है। तो मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने से दो तरह का वाइब्रेशन हो सकता है, एक या तो ऊपर नीचे हो या आगे पीछे हो, लेकिन कहीं पर भी अगर ये डिस्टरबेंस हो रहा है तो इस डिस्टरबेंस की वजह से दो चीजें बनती है, एक बनता है क्रेस्ट और दूसरा बनता है ट्रॉफ। जैसे ये लेवल है वाटर का लेवल अभी आपको हमने दिखाया था, ये ऐसे बन रहा है ऐसे, तो ये मीन पोजिशन से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे ये जा रहा है, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये जो नीचे की वाटर लेवल से, ये वाटर लेवल है और इस वाटर लेवल से अगर नीचे आ रहा है तो इसको हम कहते हैं ट्रॉफ, क्या कहते हैं ट्रॉफ। और यहाँ पे भी वाटर लेवल से ये नीचे आया तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कहते हैं ट्रॉफ, और दो ट्रॉफ के बीच में जो वाटर लेवल से ऊपर का पोजिशन है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। तो क्रेस्ट और अल्टरनेटिव क्रेस्ट एंड ट्रॉफ बनता रहता है, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ बनता रहता है इसमें, और वेव जो है वो इस तरह से या डिस्टरबेंस के बाद प्रोपेगेट होता रहता है, वेव जो है वो प्रोपेगेट होता रहता है इधर की ओर, लेकिन पार्टिकल का मीडियम जो है इस मीन पोजीशन से या तो ऊपर या नीचे वाइब्रेट होता है, क्योंकि एक बार जब ये ऊपर जाता है तो फिर ये उसी तरह से कहीं नीचे भी आता है, पार्टिकल के मीडियम्स या तो ऊपर या नीचे वाइब्रेट होते रहते हैं अबाउट मीन पोजीशन, बट दे विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आई होप यू गॉट इट। तो डायग्राम के जरिए अगर हम देखें तो ये जो है पोजीशन इसकी वेव की, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है वो क्या बनाया, अभी हमने बताया कि ये है क्रेस्ट, ठीक है, और ये दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेव लेंथ कहते हैं, वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, और इसी तरह से दो कंजिक्यूटिव ट्रॉक के बीच का डिस्टेंस भी कहलाएगा वेव लेंथ। एक वेव कितना होता है, तो एक वेव यहां से अगर शुरू हुआ फिर जहां पे वैसी ही नेचर का रिपीट होगा उसको हम कहेंगे एक कंप्लीट वेव, ये बात हमने ओसिलेशन में बताई हुई है। और ये ओसिलेशन में जिस तरह से होता है वन कंप्लीट ओसिलेशन, वैसे ही यहाँ भी एक कंप्लीट वेव का मतलब हुआ यहां से चल के यहां तक आना, और पूरी इस वेव को या तो ये कहें कि क्रेस्ट से चल के फिर क्रेस्ट पे पहुंचना या ट्रॉफ से चल के ट्रॉफ पे पहुंचना। तो आइए सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि वेव की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ वेव मोशन, वेव मोशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है एक वेव मोशन की, कुछ करेक्टर तो होनी चाहिए जिसके आधार पे हम वेव मोशन की स्टडी करेंगे। तो वेव मोशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं और इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए।
पहला जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम ये कहेंगे कि वेव जो है मीडियम ऑफ पार्टिकल्स और डिस्टरबेंस की वजह से होता है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम राइट मीडियम बाई रिपीटेड पीरियोडिक वाइब्रेशन वाइब्रेशन राइट ना ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंस राइट सो ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंस ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंस राइट ओके सो वन कैरेक्टरिस्टिक्स द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल ऑफ मीडियम ये एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है दे ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल अनदर पार्टिकल ये बात हमने बताई राइट ना तीसरा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की ओर एनर्जी ट्रांसफर करता है और इस तरह से एनर्जी जो होती है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल लेकिन ये सोर्स से दूर होता है एंड अवे फ्रॉम सोर्स राइट ना ये नहीं कि सोर्स की तरफ ही आ जैसे ये पार्टिकल है यहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ तो पहले इसको ट्रांसफर होता है फिर इसको ट्रांसफर होता है फिर इसको ट्रांसफर होता है इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होता जाता है ठीक है अब इसमें एक बात और है कि इसके लिए जरूरी है कि पार्टिकल के मीडियम जो होने चाहिए वो उसमें इलास्टिक बिहेवियर होना चाहिए इलास्टिक बिहेवियर क्यों भाई इलास्टिक बिहेवियर इसलिए कि अगर इलास्टिक बिहेवियर नहीं होगा तो अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश नहीं करेगा इसलिए इनर्शिया भी होनी चाहिए और इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए तो मटेरियल फॉर वेव प्रोपगेशन मटेरियल शुड हैव इनर्शिया एंड इलास्टिक बिहेवियर and poses elastic properties so that they can regain their position so that it can regain its position that is mean position right so चौथी बात जो है वो ये है कि जो velocity होती है हर एक particle की वो अलग अलग होती है अलग अलग है velocity of moving particles are different at different position at extreme positions that is crest or trough the velocity of vibrating particle is zero and when it approaches towards mean position velocity increases mean position
इंक्रीजेज एंड मैक्सिमम एट मीन पोजिशन, मैक्सिमम एट मीन पोजिशन पोजिशन। आई होप यू गॉट इट, गॉट दिस पॉइंट राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ इज, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेव, पर्टिकुलर ऑफ मीडियम्स आइदर मूव्स अप एंड डाउन और टू एंड फ्रो। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कैन वाइब्रेट्स अप एंड डाउन और टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजिशन राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी दैट ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम्स डू नॉट गेट डिस्टर्ब एट द सेम टाइम। All particles of mediums don't get disturbance at the same time. One particle get energy up with another. So obviously बात है कि उसके बाद उसको मिलती है ना? And seventh characteristics can be that the wave can be refracted, creates interference, and even diffracted also. So wave की ये सारी characteristics है, ये सब characteristics wave में होती है। अब सवाल है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेव्स वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वेव वन बाय वन। तो बेसिकली वेव आर ऑफ टू टाइप। वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव एंड अनदर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव राइट। ट्रांसवर्स वेव कौन सा है, मतलब व्हेन पार्टिकल ऑफ मीडियम्स, ये देखिए ये जो वेव है पार्टिकल का मीडियम कैसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे अपनी मीन पोजीशन से, यानी मीन पोजीशन ये अगर है तो मीन पोजीशन से ये कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे जा रहा है। जब मीन पोजीशन अप एंड डाउन मूव करे तो ऐसी स्थिति में हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि when particle of medium moves up and down about its mean position, that is propagation takes place perpendicular to the direction of motion of wave, then it is called transverse wave. Transverse wave में क्या बनता है, क्रेस्ट और ट्रो बनता है, जबकि longitudinal wave में particle के medium से होता है, when the mediums of particle
मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजिशन देन मोशन ऑफ सच वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन दिस वे पार्टिकल मूव्स इधर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन और टूवर्ड्स द डायरेक्शन, राइट ना। सो इट विल मूव्स लाइक दिस एंड दिस, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ये मीन पोजिशन है। और इसमें क्या होता है कि पार्टिकल का मीन पोजिशन ये है, थोड़ा अप एंड डाउन लाइक दिस। तो इस तरीके का ये ट्रांसवर्स वेव होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आप देख सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें पार्टिकल के मीडियम्स जो है वो देख रहे हैं आप कैसे मूव कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और फिर ये दिखे पीछे से पीछे की तरफ दिख रहा है, ऐसे पार्टिकल के मीडियम्स आगे और पीछे जा रहे हैं। एक पार्टिकल अपनी जगह से नहीं जा रहा, ये एनर्जी जा रही है। ये देखिए जैसे रेड में ये दिखा रहे हैं पार्टिकल है, वो पार्टिकल अपनी ही जगह पे आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे ये रेड में देखिए एक पार्टिकल है, ये भी अपनी ही जगह पर वहीं के वहीं है, चाहे कितनी देर आप देख सकते हैं। ये पार्टिकल वहां से आगे जा रहा है फिर यहाँ पीछे आ रहा है, देखिए अभी आगे गया यहाँ से फिर पार्टिकल पीछे आ रहा है। तो ये वहीं पे मूव कर रहा है लेकिन ये आगे नहीं जा रहा है। जो आगे जा रहा है, जो आगे ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या है, वो है एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर हो रहा है, पार्टिकल के मीडियम्स वहीं के वहीं रहते हैं। और आप इसको एक और डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये जैसे ये पार्टिकल है, यहाँ पे ये वहीं के वहीं है, रेड वाली पार्टिकल वहीं के वहीं है, वेव जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ये वेव यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, पार्टिकल अपनी ही जगह पे है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कंप्रेक्शन और रेयरफैक्शन इसमें बनते हैं। कंप्रेशन बनते हैं जब दो पार्टिकल एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो कंप्रेशन बनता है, जब दूर हटते हैं तो रेयरफैक्शन बनता है। तो इस तरह से हम इस पार्टिकल को, इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल वेव को देख सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव की चर्चा कर सकते हैं। यानी पार्टिकल के मीडियम जो हैं वो क्या होता है कि इसमें ट्रांसवर्स वेव में जैसा कि हमने पहले दिखाया था कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, ये अगर मीन पोजीशन है तो इसके अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट होगा, थोड़ा ऊपर ऐसे और उतना ही नीचे और फिर ऊपर और फिर नीचे। तो ये कंप्लीट वेव हुआ, इसको हम कहते हैं क्या, क्रेस्ट। इसी तरह से ये आगे जा करके फिर बनेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रेस्ट। और ये क्रेस्ट बनेगा, ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जा रहा है और मीन पोजीशन से नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे डाउन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अप, यानी अप एंड डाउन मूवमेंट होगी। यहाँ फिर से अप हो रहा है तो हम उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में होगा ये कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे आप एक स्प्रिंग को ले लीजिए, मान लीजिए ये एक फिक्स बॉडी है कोई, और इसे आपने ये स्प्रिंग बना लिया। स्प्रिंग में आप जब इसको पकड़ के यहाँ से और इसको प्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, अगर ये कहीं पर भी है, ये रिजिड सपोर्ट है, तो ये स्प्रिंग की पोजीशन छोड़ देने के बाद या तो ऐसे इतना आपने एक्सपेंड कर दिया और इतना फोर्स लगा के यहाँ तक एक्सपेंड कर दिया, तो छोड़ देने के बाद जैसे ही आप फोर्स से रिलीज करेंगे तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बनेगा, या फिर इस तरह का बनेगा, या फिर इस तरह का बनेगा, और फिर इस तरह का बनेगा। तो इस तरह के ये जो होगा पोजीशन बनेगी। इस जो पोजीशन पे जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, इसको कहते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पे जहाँ पे ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, तो दो कंप्रेशन के बीच के जो डिस्टेंस होगी उसको वेवलेंथ कहेंगे। और यहाँ पे जो है इस पोजीशन को हम कहेंगे रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन। और यहाँ पे भी जैसे ये अलग अलग हो गया तो इस पोजीशन को भी यहाँ पे हम कहेंगे रेयर फैक्शन।
तो दो कंप्रेशन और या दो रेयरफैक्शन, यानी यहाँ पे जो कंप्रेशन होगी इनके बीच के डिस्टेंस को हम एक वेवलेंथ कहते हैं, ये वेवलेंथ होता है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, या दो रेयरफैक्शन के बीच का होता है। तो इसमें पार्टिकल के मीडियम जो होते हैं वो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करते हैं। यहाँ पे मीन पोजीशन से ये है मीन पोजीशन, या तो इधर की ओर आ रहा है या इधर की ओर जा रहा है, ये मीन पोजीशंस होंगी, और यहाँ से आगे या पीछे मूव कर रहा है, इधर में रेयर फैक्शन हो रहा है, इधर में कंप्रेशन हो रही है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट हो रही है, कभी कंप्रेशन बनेगा कभी रेयर फैक्शन बनेगा। तो आई होप कि ये दो तरह के जो वेव हैं इनके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये वेव कैसे बनते हैं, और एक वेव के जितने भी, जैसे कि मैं मान लीजिए कि ये कहूँ कि ये अगर ट्रांसवर्स वेव है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम जानना चाहें तो ये कहेंगे कि ट्रांसवर्स वेव जो होगा, ट्रांसवर्स वेव इसमें जो, अगर पूरे टाइम इंटरवल को मैं, ये टाइम एक कंप्लीट वेव को जाने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये यहाँ तक, आ से यहाँ तक एक कंप्लीट वेव हुआ, यहाँ से प्रोपेगेट होकर के वेव को इस ए पोजीशन तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट वेव, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इन वन कंप्लीट वेव, कंप्लीट वेव, इट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड डिनोटेड बाय टी, एंड डिनोटेड बाय टी, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाने में, अब थोड़ी इसकी एनालिसिस कर लें, यहां से यहां तक पहुंचने में अगर टी टाइम लगता है तो यहां तक पहुंचने में टी बाई टू टाइम लग रहा होगा, तो यहां तक पहुंचने में टी बाई फोर टाइम लग रहा होगा, तो यहां तक पहुंचने में थ्री टी बाई फोर टाइम लगा होगा, यहां तक पहुंचने में टी टाइम लग रहा है। इसका मतलब है कि यहां तक पहुंचने में टी बाई एट लगा होगा, यहाँ पे टू टी बाई एट, यहाँ तक पहुंचने में थ्री टी बाई एट, यहाँ तक पहुंचने में फोर टी बाई एट, दैट इज फोर टी बाई एट, दैट इज टी बाई टू, यहाँ पे पहुंचने में फाइव टी बाई एट, है ना, यह सिक्स टी बाई एट, यहाँ पे पहुंचने में सेवन टी बाई एट, और यहाँ पे पहुंचने में एट टी बाई एट। यानी ये प्रोपोगेशन, ये जो पोजिशन है, ये अलग अलग टाइम इंटरवल पर पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पार्टिकल यहाँ से मूव करके ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, और फिर यहाँ पे जैसे ही अप्रोच करेगा मीन पोजीशन को, नीचे आना शुरू करेगा, ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे आते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू होगी, और डिक्रीज होते होते यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और फिर वेलोसिटी इंक्रीज होते होते यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव में होता है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ट्यूडनल वेव कहाँ होता है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि ये रख लें, और एक हो टेबल है ये, और टेबल पे आपने ये ट्रॉली रख ली, ट्रॉली इस तरह की बनी हुई है, बीच में वो स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, और फिर ये स्प्रिंग से जुड़ी हुई है एक दूसरी, फिर स्प्रिंग से जुड़ी हुई है एक तीसरी, और फिर स्प्रिंग से जुड़ी हुई है एक चौथी, लाइक दिस, और यहाँ पे पकड़ के आपने इधर फोर्स लगा दिया, इसको खींच के छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसे उस टेबल पे, ये रिजिड सपोर्ट का टेबल है, इसके ऊपर आगे पीछे मूव करने लग जाएंगे। तो मूव करने लग जाएंगे तो एक यहाँ पे क्या होगा, इसकी पोजीशन, जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक जगह पे ये जो पोजीशन है ये टेबल का, यहाँ पे कहीं पे ये बहुत करीब हो जाएगा और कहीं पे क्या होगा, दूर हो जाएगा, ठीक है ना, एक दूसरे से, फिर क्या होगा, करीब हो जाएगा बहुत, और फिर क्या होगा, एक दूसरे से दूर हो जाएगा। तो थोड़ा कहीं कंप्रेशन होगा और कहीं रेयर फैक्शन होगा। तो इस तरह से ये जो पोजीशन है इसको हम कहेंगे कंप्रेशन, है ना, जैसा कि अभी बताया आपको, और ये कंप्रेशन हो गए, ये कंप्रेशन हो गया,
और इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पोजीशन है यहाँ पे होगा रेयर फैक्शन होगा, यहाँ पे ये रेयर फैक्शन हो गया। तो ये रेयर फैक्शन और कंप्रेशन के बीच में जो दो टाइम लगेगा वो T/2 लगेगा, क्योंकि दो रेयर फैक्शन और दो कंप्रेशन के बीच में एक कंप्लीट वेव बनेगा। तो वेव यहाँ से यहाँ तक जाने में ये पूरा वेव लेंथ होगा। वेव लेंथ होती है दो कंप्रेशन और दो रेयर फैक्शन की, कंजुकेटिव कंप्रेशन और कंजुकेटिव रेयर फैक्शन के बीच का डिस्टेंस। तो इस हिसाब से यहां तक आने में अगर टी टाइम लगता है तो T/2 टाइम में ये यहाँ पे पहुंचेगा, है ना, और T/4 टाइम में और यहाँ पे पहुंचेगा। तो इस तरीके से अगर एक वेव के मोशन को मैं डिस्क्राइब करूं कि यहाँ से एक वेव का मोशन यहाँ तक है, ये दो कंप्रेशन के बीच की दूरी है, तो ये T/2 हो गया, ये T/4 हो गया, ये T/3, T/4 हो गया, फिर ये T हो गया। इसके बीच में और करें तो ये T/8 हो जाएगा, ये 5T/8 होगा, ये 6T/7, 5T/8 होगा, और ये 60/8, और ये 70/8। यानी अलग अलग पोजीशन पर वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो 8 भागों में हमने इस तरह से बांट दिया, और इस तरह से ये कंप्लीट टाइम पीरियड को फ्रेम करेगा। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है ना, आ गई है कि नहीं आ गई है, आ गई ना। तो अगली बात हम इसके बाद फिर करेंगे और उसको अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है।